हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। एंड दिस इज माय फर्स्ट व्लॉग जिसमें कि मैं एक मेकअप ट्यूटोरियल देने वाली हूँ। फॉर द नॉर्मल, एक आप कभी फंक्शन वगैरह में जाते हैं और यू आर गोइंग टू सम पार्टी, लाइक कोई आप डिनर वगैरह पे जाते हैं, तो यू कैन डू दिस मेकअप। ओके, बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप नहीं होने वाला है, इट्स रियली एकदम सिंपल सा मेकअप। ओके, एंड दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो, सो आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल गाइज कि आप सभी मुझे सपोर्ट करें एंड डेफिनेटली आप लोग के ही साथ से हम आगे बढ़ सकते हैं। सो या गाइज, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। देरी किस बात की, स्टार्ट करते हैं वीडियो। लेट्स गो। फर्स्ट, कभी भी आप मेकअप स्टार्ट करते हैं, व्हेन यू आर गोइंग टू डू एनी मेकअप, ठीक है, तो आपको सबसे पहले आपकी स्किन, जो आपका फेस है, आपको वो क्लीन करना है अच्छे से। मैंने वैसे तो ये फेस वॉश यूज़ किया है, आई हैव यूज दिस डॉट एन की का फेस वॉश। ये काफ़ी अच्छा फेस वॉश है, आप देख सकते हैं। अगर इनकेस आपके पास में फेस वॉश नहीं है, यू कैन यूज अ वेट वाइप। फेस वॉश नहीं है, अब आप कहीं बाहर हैं और आपको जल्दी जल्दी, मतलब हम नॉर्मल डेज में अभी कैसा हो गया, वी आर गोइंग टू ऑफिस, राइट, एंड आपको ऑफिस के बाद में अगर आपको कहीं फंक्शन वगैरह में जाना है, तो यू ऑलवेज डू कैरी अ वेट वाइप। फर्स्ट थिंग आपके जो फेस पे आपको लगाना है, दैट इज मॉइस्चराइजर। सो आई एम यूजिंग दिस अगेन डॉट इन की का मॉइस्चराइजर क्रीम। इट इज 72 आवर्स हाइड्रेटिंग जेल, ये जेल बेस्ड क्रीम है। सो फर्स्ट आई विल अप्लाई सम ऑन माय फेस। तो ऑलवेज यूज करनी चाहिए एक मॉइस्चराइजर बिफोर अप्लाइंग योर एनी लाइक फाउंडेशन वगैरह हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट आई विल अप्लाई दिस। सो आपको जेंटली इसको आपके फेस में इसको अप्लाई करा देना है, मॉइस्चराइज करेगा। सेकेंड आपको लगानी है सनस्क्रीन, को SPF 50 PA प्लस डॉट इन की का अगेन। ये बहुत ही लाइक अमेजिंग है। अप्लाई सम, अरे मैं थोड़ा अपने हाथ पे दे लेती हूँ, यू कैन सी इट्स सो रनिंग। मैजिक, नो वाइट कास्ट, सी। तो बचा हुआ जो भी है आप अपने हाथ पे अप्लाई कर लो। आई ऑलवेज डू दिस। सबसे पहले आई से स्टार्ट कर सकते हैं, यूजुअली लोग क्या करते हैं, पहले आई मेकअप से स्टार्ट करते हैं। सो उसका फंडा सिंपल यही होता है कि जब हम आईज के ऊपर कोई भी मेकअप अप्लाई करते हैं, तो वो यहाँ नीचे भी गिर जाता है, ठीक है। सो हम उसको इजीली थोड़ा वाइप आउट कर सकते हैं, ठीक है, बट आफ्टर ऑल द मेकअप इज डन, ठीक है। अगर समझ लीजिए आपने बेस पूरा बना लिया, ठीक है, आपने बेस बिल्डअप कर लिया, उसके बाद अगर आप आईज का कर रहे हैं, फिर वो अगर गिरता है, तो उसको थोड़ा वाइप आउट करने में अपने को प्रॉब्लम होती है। सिंपल का फंडा यही है। तो आई थिंक सो मैं भी पहले आई से स्टार्ट करूँगी। तो फर्स्ट आई एम गोइंग टू यूज दिस कंसीलर। अभी हमें इसे ब्लेंड करना है। आई हैव दिस ब्यूटी ब्लेंडर। तो आफ्टर अप्लाइंग द कंसीलर, मैं थोड़ा सा ये फाउंडेशन लगा रही हूँ जस्ट आपका, ठीक है। इससे क्या होगा ना, हमारा बेस और अच्छा बन जाएगा। इसके बाद में आई विल फर्स्ट डू माय आईब्रोज। तो यूजुअली मुझे जरूरत नहीं पड़ती है आईब्रोज ब्लैक करने की, वी हैव टू जस्ट ब्रश इट फॉर द पर्टिकुलर शेप। मेरे आईब्रोज वैसे ही काफ़ी डार्क, देन भी मैं थोड़ा वेट कर लेती हूँ।
फर्स्ट ये जो हमने कंसीलर लगाया है वी हैव टू सेट इट, ठीक है। हम डायरेक्टली कोई भी चीज़ अप्लाई करेंगे विदाउट सेटिंग तो वो थोड़ा सा ग्रीसी हो जाएगा। एंड आई हैव दिस माइलर कॉम्पैक्ट पाउडर, एंड नॉर्मली आईज के इधर पे मैं एक ब्राउन सा शेड लाइट ब्राउन यूज करने वाली हूँ यूजिंग दिस मेकअप ब्रश। This is also again my glass. So first I'm using ये वाला, okay? पहले हल्का सा हम बेस क्रिएट करते हैं। अभी इसके बाद में I will use थोड़ा सा डार्क स्टिल जो डार्क ये शेड ये जो इन ये आउटर कॉर्नर्स हैं यहाँ पे हम डार्क कलर्स यूज करेंगे, ठीक है। तो इसे क्या दिखेगा ना एक क्लिक यहाँ से लाइट एंड देन लास्ट में लाइट, ठीक है। एंड फिर हम पिंक क्रिएट करेंगे। सो द अगेन द सेकंड आई एम गोना यूज दिस ब्राउन, ठीक है। ब्राउन कलर में जैसे अपने आउटर कॉर्नर्स में वहाँ पे वो लग रहा है तो बेसिकली मैंने इनर कॉर्नर्स में यहाँ पे डार्क कलर्स अप्लाई किए, ठीक है। आई एम यूजिंग दिस ब्राउन कलर बहुत ज़्यादा करके माय आई थिंक सो आई विल अप्लाई डन। यू कैन सी माई आईज। ये होने के बाद में वी विल अप्लाई द आई लाइनर, ओके। सो आई लाइनर जस्ट नॉर्मली आप मैं थोड़ा सा विंग्स टाइप देना चाह रही हूँ। दिस ऑर्गेनिक हार्वेस्ट आई लाइनर, ओके। एंड वन मोर विच आई लव इज दिस ये बहुत ही लाइक अमेजिंग है। ऑल ब्लैक यू कैन से एकदम परफेक्ट आता है। सो आइदर दिस एक साइड ये अप्लाई करो एक साइड ये अप्लाई करो लेट्स चेक कुछ अलग ही करते हैं।
फर्स्ट टाइम स्टार्टिंग थोड़ा सा जो मोटा है वो मिडिल में लगाऊंगी ना, वो आप कभी भी जब लगाना स्टार्ट करते हैं ना सबसे ज़्यादा अमाउंट तभी होता है ब्रश पर, ठीक है। एंड इस बार में बस यहाँ पर कैसे डालना है जो रिमेनिंग प्रोडक्ट है उसे भी this side I have applied this organic harvest and I will buy this one extra. So again hum pehle beach se start karenge. Like लाइनर अप्लाई करना इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड वर्स्ट थिंग, लाइक ये और ये साइड मैच करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है एंड इट्स डिफिकल्ट फॉर मी एज वेल। अगर से कि ये ज़्यादा बेटर है, यू कैन सी ये उतना ब्लैक, ये ज़्यादा ब्लैक है एंड इट्स नॉट दैट मच ब्लैक। सो इसके बाद में आई एम गोना अप्लाई दिस मस्कारा। मस्कारा में भी मेरे पास दो ऑप्शन है, वन इज दिस अगेन इट इज माय क्लेम अप्लाइंग दिस इज वॉल्मलाइजिंग मस्कारा। आपको इसकी कंडीशन देख के पता चल गया होगा दैट आई हैव यूज्ड इट सो मच। आई लव दिस वन आल्सो, इट इज लाइक काफी ज्यादा ये थिक है सिंपल सा, हल्का सा रिमूव करेंगे जो भी एक्सेस प्रोडक्ट अगर गिरा हो, ठीक है। Like I have Lakme ka and my glam ka, I'm using this, it's again organic harvest. Kajal just completes the look. So I will apply this little bit. अब हमारा आई मेकअप ऑलमोस्ट डन। So अपना आई का मेकअप हो चुका है ऑलमोस्ट डन। So now I will apply the whole face makeup. हम गर्ल्स के लिए कभी भी मेकअप कम नहीं होता है। I will take some amount again. I'm thinking to mix it with the Manish Malhotra. This one is a little bit darker, and this one is little bit halka. Okay, yeah, we'll see. Let me shade. Okay, so I'm gonna do this. आपको ऐसा लगेगा कि स्टार्टिंग में इट इज टू मच, बट आफ्टर लाइक आपको एक चीज पता है कि नहीं, ऑक्सीडाइजेशन। ओके, सो बेसिकली ऑक्सीडाइजेशन मीन्स आपका जो मेकअप होता है ना, इट इज ऑब्जर्व बाय योर स्किन। सो इसलिए हम कई बारी
हमारा जो नॉर्मली हम यूज करते हैं, वी यूज मॉइस्चराइजर बिकॉज की वो फर्स्ट लेयर है. एट दिस ब्यूटी स्पॉन्ज और इसको जस्ट मैंने हल्का सा डार्क कर दिया है वाटर से. एंड नाउ आई एम गोना यूज दिस. इसका जो ये वाला पार्ट है, दैट्स नॉटली, आई लव दिस. ये बेसिकली इससे अप्लाई के लिए ही है. फेस रेडी हो चुका है, हमने अप्लाई कर लिया है. ठीक है, फाउंडेशन लगने के बाद अब हमें अप्लाई करना है अगेन द पाउडर. उप्स, माय मस्कारा हैज ड्रॉप्ड, नीचे गिर गया. आपको जो पूरा आपका फाउंडेशन है, यू हैव टू सेट इट. ठीक है, आपको इसको सेट करके टुडे आई एम यूजिंग ओनली वन ब्रश, अदरवाइज मेरे पास पूरा एक झोला है ब्रशेज का. सो आई एम जस्ट एक्चुअली नाउ वी विल फर्स्ट I'm gonna do my cheeks. तो काल के लिए I have this one, Swiss Beauty का 3-in-1. This one is highlighter. This one is अपना contour and this one is blush. But I would go with the again my Bianca. This cute one. This one is a powder blush and treasure it and it's in purple color. को क्या करना है, normally people what they do कि हम basically blush उठाते हैं अपने cheeks पे यहाँ पे apply करते हैं. You have not to do this. Basically आपको क्या करना है, just one dab और आपको जो आपका blush है वो यहाँ लगाना है. सो इससे क्या होगा ना, आपके जो चिक्स है ना वो थोड़े लिफ्ट अप दिखेंगे. ओके, योर फेस विल बी लाइक दिस. आफ्टर दैट आपको लिटिल बिट ये जो ब्रश में ही है वही थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे भी. I will apply a little bit on my nose as well. Halka sa. And halka sa yahan pe. On my chin. Aaj hamara jo bach gaya hai wo hai bronzer. Theek hai, to I will use this Swiss Beauty wala. And again, this is angular brush. So basically, maine pura hi makeup and blush bhi isi se laga liya because इट्स प्रॉपर, एक अच्छे से आपको ब्लेंड करके देना है. अब आपको क्या करना है, यू हैव टू टेक वेरी लिटिल, आपको जस्ट एक डैप करना है आपका फेस से बनाना. So now the last thing that is best, वो है हमारा
सबसे पहला हाइलाइटर. सो हाइलाइटर में भी आई हैव ऑप्शन लाइक वन इज दिस. दिस वन इज मनीष मल्होत्रा का हाइलाइटर इन द शेड आई थिंक सो व्हाट इज इट बॉडी. इट इज बॉडी हाइलाइटर एंड फेस हाइलाइटर. ओके व्हाट इज आई थिंक सो लुक ब्यूटीफुल इज दिस राइट. आई एम गोना यूज दिस and it is so pigmented. It's really like I can use it on directly as well but yeah we have to apply this on cheekbone. Okay I'm also using this one highlighter. This is used Swiss Beauty. Finger first on my eyebrows moon. So I will apply some on my cheeks and some on my this. ये थोड़ा सा ये एक मेरा favorite highlighter है. So I'm using this. So guys, this is the face look that I have done. But my sister just remind me ki main lipstick lagana hi bhul gayi hu. So this is a Miss Claire Beauty. This one is shade 42. So I have paired this watch and this normal like मेरा bracelet type है. You can also wear a normal से आपको दो तीन चूड़ियाँ पहननी है पहन लीजिए and this normal झुमका. So that's it, guys. This was a video for the makeup. You can go this makeup look. आप normally एक party में जा सकते हैं या फिर किसी family function के लिए भी ऐसा normal सा ही glam look है. So we have tried it. And definitely ये video मेरा first video था for the makeup. And I request you all guys कि आप लोग इस video को support दीजिए. And या मैं फर्स्ट टाइम ये वीडियो बना रही हूँ तो अगर मेरे से कोई मिस्टेक हुई हो या फिर आपकी कुछ रिकमेंडेशन आए तो टू लेट मी कमेंट. और या कमेंट बॉक्स ओपन है सो आप अपने सजेशंस भी दे सकते हैं. एंड मुझे डेफिनेटली बताइए कि नेक्स्ट वीडियो मैं क्या चीज़ के लिए करूँ. लाइक देर आर मैनी डिफरेंट टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर हम मेकअप कर सकते हैं लाइक विद यूजिंग लिपस्टिक ऑनली बिकॉज आजकल कैसा मतलब काफ़ी टाइप के चैलेंजेस वगैरह भी चल रहे हैं. तो इफ यू वॉन्ट मी टू डू एनी काइंड ऑफ चैलेंजेस तो आप डेफिनेटली मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको किस टाइप का मेकअप चाहिए. सो दैट्स इट फॉर द फोक एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से. थैंक यू फॉर वॉचिंग. अच्छे से रहिए, हेल्थी खाइए एंड बाय. सी यू.